और हम लोग इस शांति समिति का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति सरस्वती पूजा जो हम लोग आयोजन करते हैं, जो शांतिपूर्ण गुजरा है, उसी तरह इस भांति इस साल भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न कराए। और जो बाजार में सरस्वती पूजा पंडाल में जो अश्लील गीत बजाए जाते हैं, तो उसको हम लोग को रोकना है। ये दायित्व हम लोग सभी लोग लें, और मैं खासकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या शांति समिति के सदस्यों के से अपेक्षा करता हूँ, उसे मांग करता हूँ कि आप लोग जो है सो उसको अपने स्तर पे भी आप लोग जरूर जाके पंडाल में इस बात को अवगत कराए कि सरस्वती पूजा का आयोजन माता सरस्वती की आराधना के लिए की जाती है, सरस्वती की आराधना हो, न कि अश्लील गाने बजे। यही मेरा आप लोग से मांग है और हम लोग का दायित्व भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस दायित्व का निर्वहन करेंगे, और जहां पर भी आप लोगों को इस में अनुपालन करने में दिक्कत होगी, समस्या आएंगी, उसके लिए प्रशासन से आप पुलिस से कंसल्ट करें, हम लोग आपके साथ हैं। और पीछे से हम लोग चाहते हैं आपके साथ रहे हमेशा, आप वो आगे से उसको करें, पीछे से हम लोग को सपोर्ट जो करना होगा आप वो करेंगे। तो इस बात इस साल भी हम लोग यही उद्देश्य लेकर चले कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग निकाल लें, कहीं विवाद नहीं हो। अगर आप लोग के स्तर से कहीं लगता है कि नहीं कोई जगह है जहां विवाद किया जाता है या विवाद होने की संभावना है, तो अवगत कराएं हम लोग को, तो हम लोग उसको विशेष रूप से नोट कर ले अभी भी, तो हम लोग वहां जाके पहले से उसको देख लेंगे। ऐसा कोई स्पॉट है, जगह है, ऐसा कोई स्पॉट है जहां पर कहीं विवाद की संभावना रहती है या हुआ है, और इस बात या पहले कभी नहीं हुआ लेकिन इस बात संभावना है, तो आप लोग अवगत करा दे ताकि उसको हम लोग नोट डाउन कर ले, कि हम लोग पहले से जाकर उसको आप वहां उस स्थल को घूम ले, मुआयना कर ले, उनसे बात कर ले। लेकिन एक चीज है कि जो एक चीज रहता है उसको आप लोग थोड़ा कंट्रोल इस बार उम्मीद करेंगे कि करेंगे, वही अश्लील गीत ना बजे। तो मालूम है बज क्या रहा है, ये भी सबको मालूम है कि समाज में गलत चीजों पे अगर उसको रोक टोक नहीं किया जाए तो उसको लगता है कि यही चीज अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे और बढ़ता है। एक छोटा बच्चा होता है तो क्या कोई पैदाइशी क्रिमिनल थोड़ी होता है, वो धीरे 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 उसकी आदतें बढ़ती जाती है, बन बढ़ते जाता है, तो एक तरह से अपराधी हो जाता है। तो वही चीज समाज के स्तर पे भी है, तो एक तरह से वो हम लोग उसको रोक टोक करेंगे तो निश्चित रूप से नियंत्रण में आएगा, उसको जब लज्जित करेंगे, क्योंकि उसी समाज में हमारी माताएं भी है, बहने भी है कि नहीं, हमारे घर में स्त्रियां भी हैं, तो उनका बाहर हम उनका अपमान करेंगे तो अंदर भी उनका अपमान ही हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखेंगे तो फिर हम लोग उस पर रोक लगाना शुरू करेंगे।